हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विजन आईएएस टी प्रयागराज। शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज में हम लोग भारत में पाए जाने वाली जो जैव विविधता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल किन्हीं कारणों से आप लोगों की क्लास ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, नेटवर्क इशू आ गए थे और इसलिए कल की क्लास जो है सस्पेंड करनी पड़ी थी, लेकिन आज हम लोगों ने फिर से उस क्लास को रिज्यूम किया है। तो हम लोगों ने परसों की क्लास में जो है कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा की थी और ये चर्चा हुआ था कि भारत में पाए जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो उनमें से कौन कौन सी जो है वो IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें उनका मेंशन है। ये एक वेब पेज है ENVIS सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया जो वाइल्ड लाइफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा मेंटेन किया। इसमें स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीशीज के बारे में जानकारी इसमें दी हुई। हालांकि शंकर आईएएस की जो पुस्तक जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसमें भी इसके बारे में चर्चा है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इस जो वेब पेज है उसके बारे में कर ली जाए, क्योंकि इस जगह पर क्वेश्चन बनते हुए देखते हैं, इस जगह पर क्वेश्चन ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इस जगह से निकले। तो जो जो कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके संदर्भ में ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एक स्कीम थी असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, और इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का नाम दे दिया गया जो 11th प्लान था 2007-12। और इसमें 16 टेरेस्ट्रियल और 7 एक्वेटिक स्पीशीज के बारे में चर्चा की गई है, यानी 16 ऐसी जो प्रजातियां हैं जो कि स्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और 7 जो हैं वो ऐसी हैं जो एक्वेटिक यानी जलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनको कह सकते हैं रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रोग्राम किया। हालांकि इनमें हाल के वर्षों में कुछ वृद्धि हुई है, कुछ नई तरीके की स्पीशीज जुड़ी गई। तो ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए जो प्रोग्राम है, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसका क्या जो है कह सकते हैं फ़ायदा मिला। ऋषिकेश सिंह चंचल, वेलकम ऑन बोर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों को, बता दीजिए क्लास चल रही है जिससे और भी चेंज हो सके। तो जो स्पीशीज रिकवरी प्लान जो कि भारत सरकार के द्वारा है उसका परिणाम ये हुआ है कि भारत में सिंहों की आबादी और राइनोसेरस की जो आबादी है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसमें ये देखा गया है कि धीमे धीमे इनकी आबादी में वृद्धि हो रही है, जो सिंहों की आबादी है और जो जो राइनोसेरस यानी जो गैंडों की आबादी है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया। जो सांगाई हिरन है जो कि केबुर लामजाओ झील में पाए जाते हैं मणिपुर में, और जो हंगुल जो कि एक तरीके का रेंडियर प्रजाति का हिरन है जो कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षित किया गया है, उसकी पॉपुलेशन इसमें स्टेबल है, यानी उसके संख्या में ना तो कोई गिरावट आई है ना तो कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में पहले दो यानी जो सिंहों की आबादी है और जो रेनेसरस की जो आबादी है उसमें अगर पॉजिटिव इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि जो कार्य किए गए हैं इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोग्राम किए गए हैं वो बेहतर दिशा में आगे बढ़े थे। सांगाई हिरणों के बारे में और हांगुल जो कि दोनों ही हिरणों की प्रजाति है उसकी पॉपुलेशन स्थिर है, इसका ये मतलब हुआ कि हम अपने जैव विविधता को सुरक्षित कर पाने में सफल हुए हैं। प्रजातियों में कह सकते हैं वैसा तो नहीं है कि उनकी मृत्यु नहीं हो रही होगी, मर रहे होंगे, लेकिन पॉपुलेशन जो है कह सकते हैं इवन बैलेंस पर है, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट जो है लगभग लगभग बराबर है, और कम से कम पोचिंग या शिकार को हम लोग रोक पाए हैं, जो शिकार वगैरह उसको रोक पाए, अगर शिकार हो रहा होता है तो संख्या जरूर घटी होती। लेकिन खराब बात यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है और विशेष रूप से राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये, कि राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है जैसा भी हम मैप में देख रहे होंगे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है मैप में, चलिए हम इसको इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है पक्षी जो कि राजस्थान और उससे संलग्न क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गुजरात है, राजस्थान है, हालांकि कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ आबादी जो है वो
महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी लोग कह सकते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जो है वो दिखाई देती है। तो ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनकी आबादी को लेकर के थोड़ी सी चिंता है, इसकी आबादी को लेकर के थोड़ी सी चिंता है, और इसकी आबादी जो है वो घटी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसी तरीके से निकोबार मेगापॉड, निकोबार मेगापॉड भी एक पक्षी है जो कि अंडमान निकोबार के ही क्षेत्र में पाया जाता है। इस वेबसाइट पर मेगापार जो निकोबार मेगापॉड है उसका चित्र नहीं दिया गया है, जैसे उसका चित्र तात्कालिक रूप से तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कि इनकी पॉपुलेशन घटी है। इसी तरीके से गिद्धों की एक प्रजाति है, जिप्स बेलिंगालेंसिस, ये तो आप कह सकते हैं कि जो है उसमें जो है एक वृद्धि देखी गई। ये आपको मालूम ही है कि भारत में जो गिद्धों की आबादी है नियर एक्सटिंक्शन पहुंच गई थी। कहने का मतलब है कि डाइक्लोफेनाक सोडियम जो दवा है उसका प्रयोग करने के कारण भारत में गिद्धों की आबादी में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन जिप्स बेंगालेंसिस जो कि भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की 9 प्रजातियों में से एक प्रजाति है, उसकी जनसंख्या में कुछ रीसेंट अपवर्ड ट्रेंड देखे। कहने का मतलब है कि गिद्धों के जो संरक्षणकारी प्रयास जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके लिए जो प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं, उनके लिए जो एक सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, उसके कुछ शुभ परिणाम मिलने शुरू। तो कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर पॉजिटिव एफर्ट का जो है पॉजिटिव फायदा हुआ है, कुछ जगहों पर उतना फायदा नहीं हुआ। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे निकोबार में जो निकोबार मेगापोड है जिसकी आबादी की हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके बारे में कह रहे हैं कि निकोबार जो मेगापोड है उसके बारे में ही है। निकोबार मेगापोड, ये जो निकोबार मेगापोड है जो कि निकोबार के क्षेत्र में पाया जाता है, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाया जाता है, पर्टिकुलरली इसकी जो आबादी गिरी है वो इसलिए नहीं गिरी है क्योंकि भारत सरकार या उसके द्वारा चलाए गए जो प्रोग्राम है वो फलित नहीं थे। आपको मालूम ही है कि जो सुनामी, जो तरंगे उठी थी हिंद महासागर में, उसके कारण बहुत सारा जैव विविधता जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में है, जो कि द्वीपीय क्षेत्र में है, उसके ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव। तो निकोबार मेगापोड की आबादी इसलिए नहीं घटी कि हमारे संरक्षणकारी प्रयासों में कुछ कमी रह गई, बल्कि इसलिए घटी क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने जैव विविधता बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, और उसके कारण निकोबार मेगापोड के ऊपर भी जो है दुष्प्रभाव। आगे हम लोग देखेंगे कि जो डुगोंग है, जिसको सी काउ कहा जाता है, जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, उसकी आबादी भी कम हुई है, और उसमें भी एक कारण जो है वो कह सकते हैं कि जो सुनामी, जो तरंगे उठी थी उसके कारण जो उसके ऊपर प्रभाव। तो धीमे धीमे पब्लिक अवेयरनेस के बढ़ने के कारण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है सक्षम प्रयासों के कारण कुछ अपवर्ड ट्रेंड है, कुछ जगहों पर हम निगेटिव क्षेत्रों में गए हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आगे हम लोग और बेहतर काम करेंगे और बेहतर ढंग से हम लोग इन चीजों। फिर यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो कुछ जो प्रजातियां इस वेबसाइट पर दी हुई, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और अक्सर सिविल सेवा में इस वेबसाइट से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसी के वेब पेज को मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्पॉन्सर करती है, और बहुत ही आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव पेज है। तो वैसे भी आपको इसको घर में अपने आप ही पढ़ लेना चाहिए, बहरहाल क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं इसको आपको कहूँ। ये एशियन वाइल्ड बफेलो है, एशियन वाइल्ड बफेलो है, और मतलब जंगली भैंसा है ये, और इसको जो आप कह सकते हैं IUCN के जो है, IUCN ने जो है इसको जो आप कह सकते हैं इंड इंडेंजर्ड घोषित किया है, संकटग्रस्त घोषित किया है। और भारत के वाइल्ड लाइफ जो शेड्यूल 1 है 1972, उसमें इसको मेंशन किया गया है। प्रारंभ में ये नेपाल और भारत के तराई में बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन अब इनके जो प्रेजेंट जो वाइल्ड लाइफ जो कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है इसकी बेहद कम रह गई है। पूरे भारत में इसकी जो जनसंख्या है 2000 के आसपास ही है। फिर एशियाटिक लायन है, एशिया में पाए जाने वाले सिंह। तो देखिए एशिया में पाए जाने वाले सिंहों का एक अंतिम आवासीय क्षेत्र जो है गिर फॉरेस्ट है, ये एक पर्णपाती क्षेत्र है जो कि सौराष्ट्र रीजन, जो गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहां
वहां पर ये पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं, वहां पर ये पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहीं पर गीर वन पाए जाते हैं, गीर वन जो है स्थित है। और इस सौराष्ट्र क्षेत्र में तीन ऐसे जिले हैं जिसमें गीर वन क्षेत्र और जो सिंहों की आबादी को कंजर्व करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी पूरी आबादी जो है बिखरी हुई है। तो एशियाटिक लॉयन की ये अंतिम रिसॉर्ट है, मतलब ये अंतिम क्षेत्रफल है जहाँ पर वो रहते हैं। और ये जो आप कह सकते हैं जो 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि तीन जिलों में, जूनागढ़ में, अमरेली में और भावनगर में स्थित है। संरक्षणकारी प्रयासों के कारण जो है धीमे धीमे सिंहों की आबादी में वृद्धि देखी गई। करीब करीब आप कह सकते हैं कि ये 350 प्लस की आबादी पर पहुंच चुके हैं। फिर ब्रो एंटलर्ड डियर, जिसको सांगाई अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था कि सांगाई की जो पॉपुलेशन है उसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हांगुल जो कि जम्मू कश्मीर के दक्षिणी ग्राम में संरक्षित है, और जो सांगाई हिरन है जो कि केबुल लांजाओ झील में संरक्षित किए गए हैं, ये दुनिया में एकमात्र जगह पर पाए जाते हैं, मणिपुर में पाए जाते हैं। और मणिपुर के केबुल लामजाओ एक जो कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र है वहीं पर ही पाए जाते हैं। और 1750 के आसपास ऐसा माना गया था ये एक्सटिंक्ट हो, लेकिन बाद में इनको पुनः खोजा गया और इनको संरक्षित किया गया है। अब इनकी पॉपुलेशन जो है वो जो है स्थिर है। तो केबुल लामजाओ झील में, केबुल लामजाओ झील में और उसके आसपास के जो दलदली इलाके हैं वहां पर रहने के लिए इन जो हिरणों ने अपने आप को संरक्षित कर रखा है। इसकी जो सींग है, इसकी जो सींग है अगर आप देखें तो इसकी आंख के ठीक ऊपर से निकलती है, इसीलिए इस हिरण का नाम ब्रो एंटलर डियर है। एंटलर मतलब जो जो कह सकते हैं जो हिरण की जो सींग होती है इसको एंटलर कहते हैं। तो एक ऐसा हिरन जिसकी एंटलर यानी जिसका सींग जो है उसके आंख के आईब्रो के ठीक ऊपर से निकले उसको ब्रो एंटलर डियर कहते हैं। और इसका लोकल भाषा में नाम वहां पर सांगाई है, इसको आप कह सकते हैं डांसिंग डियर भी कहा जाता है। डांसिंग डियर भी इसी का एक अन्य नाम है। फिर डुगोंग है, डुगोंग के ऊपर तो सिविल सेवा में 3 साल पहले क्वेश्चन आया भी था अगर आपको याद। ऋषिकेश सिंह, चंचल, सौरभ यादव, अमनीश तिवारी, शिव यादव, दीपाली, गुटी तिवारी, श्रेय गुप्ता और बिल्कुल नवनीत जी, आपका कहना एकदम सही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इस जगह से क्वेश्चन आते रहे हैं और आप लोगों के सहयोग के कारण ही इस टाइप के टॉपिक को पढ़ा पाने का लाभ भी मुझे मिल रहा है। तो बस दोस्तों में शेयर करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से आते रहे। तो डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग का एक अन्य नाम जो है वो समुद्री गाय है। ये आप कह सकते हैं कि समुद्र में पाए जाने वाला एक ऐसा स्तनधारी जीवधारी है जो स्ट्रिक्टली जो है वो हर्बीवोरस है, यानी विशुद्ध शाकाहारी। तो डुगोंग जो है ये समुद्र के अंदर रहते हैं और वहां पर पाए जाने वाले जो समुद्री घास है उसको ये खाते हैं। क्योंकि ये स्तनधारी हैं इसलिए इनको समय समय पर सांस लेने के लिए ऊपर की ओर आना ही पड़ता है। देखिए जैसे व्हेल के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं, जैसे आप सील के बारे में जानते हैं, जैसे आप वॉलरस के बारे में जानते हैं, भले ही ये समुद्र में पाए जाते हैं लेकिन ये सब के सब स्तनधारी जगत के प्राणी हैं। उसी तरीके से समुद्र में डुगोंग नामक जो है एक प्राणी पाया जाता है, ये स्तनधारी है, देखने में मछली जैसा लगता है, देखो लेकिन ये मछली नहीं है। और क्योंकि ये एकदम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है इसीलिए इसको सी काउ भी कहा जाता है। डुगोंग को ही जो है समुद्री गाय कहा जाता है ये, और आप कह सकते हैं जो है समुद्री गाय कहा जाता है। भारत में जो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है लार्ज मेमल्स की, बड़े स्तनधारियों में से ऐसे स्तनधारी जो कि स्ट्रिक्टली बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड है, जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वल्नरेबल है, उनमें डुगोंग जो है एक है। अच्छा, डुगोंग की रिकवरी के लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
ये भारत के जो कोस्टल एरिया है उनमें पाए जाते हैं डुगोंग, और इनकी रिकवरी के लिए बाकायदा प्रयास किए। तो कुछ जानकारियां जो यहाँ डुगोंग के संदर्भ में दी गई हैं, पहला पॉइंट क्या है, डुगोंग और सी काउस। डुगोंग जो है इनको, ये देखिए इसके चित्र को देखिए आप ध्यान से, तो डुगोंग्स और सी काउस, डुगोंग को जो है समुद्री गाय कहा जाता है, ये है मछली जैसी, ये एक स्तनधारी प्राणी है, और आप कह सकते हैं कि इस, क्योंकि ये केवल और केवल विशुद्ध शाकाहारी है, समुद्री घास खाती है, इसलिए इसको जो है समुद्री गाय कहा जाता है। रिमेंस अंडर वाटर फॉर 3 to 12 मिनट, यानी 3 से लेकर के 12 मिनट तक समुद्र में गोता लगा सकती है। 70 साल इसकी उम्र होती है, 450 किलोग्राम इसका जो है भार होता है। ये कहाँ पाई जाती है, जो वार्म ट्रॉपिकल जो वाटर्स होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो समुद्र में जहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है वहां पर पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका से लेकर के साउथ पैसिफिक ओशन, यहाँ तक देखिए अफ्रीका के ईस्टर्न साइड है इस जगह पर, जहाँ मेरा इस समय कर्सर मूव कर रहा है, इस जगह पर लेकर के, और भारत के कोस्टल इलाकों में आप देखिए, और साउथ ईस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी पाए जाते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास तो इनकी सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। फिर नेशनल कंजर्वेशन प्लांट, प्लान क्या है, यानी इनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्लान बनाया गया है, जो नेशनल कंजर्वेशन प्लान है वो क्या है। तो डुगोंग पॉपुलेशन स्टेटस जो है वो एडवांस सेंसस टेक्निक की इसमें जरूरत है, हैबिटेट लेवल पर इसको कंजर्व करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, कोशिश किया जानी चाहिए कि समुद्र के नीचे जहाँ पर घास के समुद्री घास पाई जाती है उनको किसी तरीके से क्षति न पहुंचे। और हम कह सकते हैं कि लोगों में जो जन सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, अगर लोकल कम्युनिटी इसमें सहयोग करे तो इनकी आबादी को हम तेजी से फिर से आप कह सकते हैं जो है उनके स्तर को दोबारा जो है ठीक कर सकते। तो पूरी दुनिया में करीब 1 लाख डुगोंग हैं, लेकिन भारत में करीब 250 जो है के आसपास डुगोंग की ही अब जो है आबादी पाई गई। और पूरी दुनिया में जो आप कह सकते हैं इसकी अलग अलग स्टेटस है, कुछ जगहों पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर भेद हैं। भारत में डुगोंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में लिस्ट की गई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ पर आप देखिए कि समुद्र में मछुआरों इसका शिकार लोग कर लेते हैं, भोजन करने के लिए भी लोग इसका शिकार करते हैं, लेकिन इसको जो है प्रतिबंधित किया गया। आप देखें कि आंदमान निकोबार ने इसको, डुगोंग को जो है कह सकते हैं एक अपना, एक आंदमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके द्वारा जो है, जो डुगोंग है उसको स्टेट एनिमल का दर्जा दिया, स्टेट एनिमल का। और ऐसा उम्मीद बताई गई है कि 20 से 25 के आसपास जो है डुगोंग इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इनको कंजर्व करने के लिए स्वप्निल जो है, स्वप्नाली गोले जो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट है, उनको इस प्रोजेक्ट पर लगाया गया है, जिससे कि लोगों लोकल लोगों को सपोर्ट लेकर के डुगोंग जो कि मैरीन हर्बिवोरस है उनको सुरक्षित किया जा सके। अब आइए एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, देखिए अब यहाँ पर भी जो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट है, ये एक तरीके का पक्षी है, और इसका यहाँ पर चित्र है वो तो दिया नहीं हुआ है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको इसका चित्र दिखा दूँ। देखिए एडिबल नेस्ट जो है, नेस्ट स्विफ्टलेट है, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट जो है ये, इसका चित्र ये है। आपने भी अपने आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके के पक्षी को देखा होगा, कभी कभी लोकल भाषा में इसको आबाबील भी लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो एनिमल जो नेस्ट स्विफ्टलेट है, ये भारत के द्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, एडिबल का मतलब होता है जिसको भोजन में खाया जा सके,
एडिबल का मतलब होता दीपाली सर, इसका हिंदी में पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर। दीपाली ये जो वेबसाइट है मतलब, और हम हाँ इसका हम लिंक आपको शेयर कर देते हैं, इसका मैं लिंक जरूर शेयर कर दूंगा आपको। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, और इसमें पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन हिंदी का भी है। ये देखिए यहाँ पर वेबसाइट में इस कोने में अगर आप वेबसाइट को देखेंगे तो इस कोने में वेबसाइट में आपको ये हिंदी में दिखाई देगा, हिंदी में। तो मैं वेबसाइट की लिंक दीपाली डाल दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डालूंगा। वैसे आप अगर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे वेबसाइट ही खोल करके आपको दिखा देंगे। लेकिन क्योंकि आपने मांग की है तो जरूर इसको मैं हिंदी में डाल दूंगा, हिंदी वेबसाइट लिंक कर दूंगा, हिंदी में आप उसको खोल कर देख लें। तो एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट की हम लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ी विचित्र सी चीज है ये। अच्छा, नवनीत जी ने इसका अध्ययन कर रखा है हमको लगता है वेबसाइट का, क्योंकि इनका कहना है कि हिंदी में है, ये वेबसाइट जो है वेबसाइट पर ये वेब पेज उपलब्ध नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में ही सारी चीज आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, साथ साथ देखते रहेंगे, एक दो बार इसको देख लेंगे वीडियो को, तो ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगे। एडिबल का मतलब होता है खाद्य योग, जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, स्विफ्टलेट। तो स्विफ्टलेट जो पक्षी है, यहाँ पर आप कह सकते हैं द्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला स्विफ्टलेट पक्षी एक ऐसा घोंसला बनाता है जिसको लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इस पक्षी की बहुत विचित्र बात है। तो इस पक्षी का जो मेल होता है, इस पक्षी का जो नर होता है, वो किसी समतल चट्टान के ऊपर अपनी गाढ़ी लार का प्रयोग करते हुए एक घोंसला बनाता है। लार जब सूख जाती है तो एक बहुत चमकती हुई, एकदम आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट से चमकती है। ये पक्षी एक बार में दो अंडे देते हैं, दो अंडे उसके अंदर रहते हैं, तो बच्चे बाहर निकल आते हैं। तो जो कलेक्टर्स होते हैं इस घोंसले को कलेक्ट करते हैं, इस घोंसले के टुकड़े करके उसके सूप बनाए जाते हैं, लोग उसका सूप पीते हैं। और कह सकते हैं जब कुछ मांसाहार बनाते हैं या जब कभी अंडे वगैरह का हैं तो उसमें भी इस पक्षी के घोंसले के टुकड़े खाद्य पदार्थ। अरे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक पक्षी की लार जब सूख जाती है तो फिर, और वो पक्षी अपने लार से अपना घोंसला बनाता है, और जब वो घोंसले से बच्चे निकल जाते हैं तो फिर तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वो जो घोंसला है वो पक्षी की लार ही होती है और कुछ। तो देखने में सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन देखिए सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं ये प्रति हमारा किसी तरीके का आग्रह नहीं रख सकते। इस जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं, अलग अलग संस्कृतियों की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। तो अगर किसी जगह पर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के भोजन को कर रहा है तो हमको और आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम और आप उसके भोजन के ऊपर टीका टिप्पणी करें, भले ही और आपको ये चीज बड़ी ग्राह्य न लगे, अच्छी लगे। अच्छी नहीं लगेगी तो मत खाइएगा, जल जाएगा तो मत खाइएगा। इसके ऊपर और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडिबलनेस स्विफ्टलेट पर। ये जो स्विफ्टलेट पक्षी है ये ज्यादातर उड़ान भरते हैं, मतलब अपने जीवन का आधा अधिकांश भाग ये हवा में उड़ते हुए ही जो है बिताते हैं। ये जल्दी जो है जमीन की सतह के ऊपर नहीं बैठते हैं, इनके पक जो है पैर बहुत कमजोर, तो ये किसी वृक्ष की डाल पे ही बैठते हैं और वहां से सीधे उड़ान भर लेते हैं। ये वृक्षों पर भी उतरते हैं, पैर के बहुत कमजोर हो जाने के कारण जो है अगर एक बार ये जमीन पर लैंड कर गए तो इनके लिए दोबारा उड़ पाना बड़ा मुश्किल। उड़ान के ही दौरान ये कीड़े मकोड़े खा करके पड़ लेते हैं, पेट भर लेते हैं, अक्सर उड़ते हुए ही पानी। फिर आइए जो दूसरा प्राणी है, जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम ही है कि इसको भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। इसको भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, किसको? ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जल जीव।
भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें भी पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र में तो खैर पाई जाती है, लेकिन जो सिंधु नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी में भी पाई जाती है। अब सिंधु नदी का इसमें उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि सिंधु नदी भारत में तो है नहीं, है तो पाकिस्तान में, तो उसका उल्लेख यहाँ क्यों किया जाएगा? हम लोग इंडियन वेबसाइट पर लेकिन जानते रहे कि सिंधु नदी में भी पाई जाती है। ये नदियों में जो प्रदूषण बढ़ता है तो गैंगेटिक डॉल्फिन की जो जनसंख्या है बहुत तेजी से कम होती है, और तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो इनकी संख्या में भी वृद्धि। तो ये नदियों के प्रदूषण के लिए एक तरीके की हम कह सकते हैं ऐसी स्पीसीज है जिससे हमको नदियों के प्रदूषण के बारे में जानकारी। एक चीज और जानते रहे कि भारत पाए जाने वाली जनजात सूची होती है, सामान्य भाषा में लोग इसको सूस कहते हैं। सूस अगर डॉल्फिन के नाम से नहीं जानते होंगे, लोकल भाषा में इसको सूस कहते हैं। तो ये जनजात अंधी होती है, जनजात अंधी होती है, और अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रयोग करते हुए पानी में जो है कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, और शिकार भी उसी के माध्यम से। कल हम लोगों ने बंगाल फ्लोरिकन बस्टर्ड की चर्चा की थी, अगर आप परसों सारे, और मैं कहा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी एक पक्षी है बड़े आकार, और ये अक्सर घास के मैदान में, बस्टर्ड स्पीशीज है ये घास के मैदान में अक्सर पाई जाती है अक्सर। तो घास के मैदानों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अक्सर पाई जाती है। या देखिए, हमने पहले भी कहा था कि राजस्थान के क्षेत्र के आसपास, और दुर्भाग्य से तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद हाल के वर्षों में जो आप कह सकते हैं इनकी संख्यात्मक मान में कमी। अच्छा, देर आर फोर स्पीशीज ऑफ बस्टर्ड्स इन इंडिया। जो बस्टर्ड पक्षी हैं उनके चार किस्में हैं भारत में। देखिए कौन कौन सी है। पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि आप देख ही रहे हैं राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में। फिर लेसर फ्लोरिकन है, फिर बंगाल फ्लोरिकन है, फिर हवारा बस्टर्ड्स। और ये जो आप कह सकते हैं पूरे दुनिया में बस्टर्ड्स की 22 प्रजाति, 22 किस्म है, और उसमें से ये चार भी ऐसे हैं जो कि मोस्ट थ्रीटन, और मोस्ट थ्रीटन में है यानी इनके ऊपर संकट की मात्रा जरूर से ज्यादा है। और ऐसा माना गया है कि अब इनकी आबादी 1,000 से कम है, 1,000 से कम रह गई। इसी तरीके से लेसर फ्लोरिकन की जो आबादी है 2,500 के आसपास रह गई, बंगाल फ्लोरिकन की आबादी और भी कम है, 400 से 500 के बीच में। और जो आप कह सकते हैं जो हवारा जो बस्टर्ड है उसकी भी संख्यात्मक मान बहुत, और ऐसा मूल रूप से क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रासलैंड्स का, पूरी दुनिया भर में जो ग्रासलैंड है उनका जो है पतन होता चला जा रहा है, क्योंकि मनुष्य उसको अधिवास क्षेत्र के रूप में, कृषि क्षेत्र के रूप में उसका अक्सर यूज कर रहे हैं। घास के मैदानों का हम बहुत तेजी से पतन कर रहे हैं, जैसे जैसे घास के मैदान कम होते जाएंगे इस तरीके के जो पक्षी जो कि घास के मैदान में विचरते हैं वो और भी कम होते चले जाएंगे। ये आप देखिए कि जो नेशनल इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड विद ओनली 200 लमसम 200 बर्ड्स इन वाइल्ड एंड इन कैप्टिव स्टॉक। ए सिंगल वायबल पॉपुलेशन लेस देन 150 अकर इन थार राजस्थान वाइल अदर पॉपुलेशन आर वेरी स्मॉल। तो आप देखिए कि 200 के आसपास जो है ये बस्टर्ड प्रजाति के जो है पक्षी रह गए हैं, और इसीलिए इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्पीशीज के अंतर्गत रखा गया। इनको सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी संख्या जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर हांगुल के बारे में कहा था, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं हांगुल, ये एक तरीके के रेंडियर प्रजाति के हिरन होते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं इनकी भी जो संख्यात्मक मान है वो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हालांकि ऐसा पाया गया है कि भारत में जो है कंजर्वेशन संबंधी प्रयासों के कारण इनके संख्यात्मक मान में कुछ वृद्धि देखी गई है। तो ये कश्मीर स्टैग और हंगुल है, कश्मीर पाए जाने वाला स्टैग या हंगुल है, और वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन टेम्परेट ग्रास लैंड, मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसे दचीगाम जो
राष्ट्रीय पार्क है कश्मीर में, उसके अंदर इसको सुरक्षित किया। फिर इंडियन राइनो और ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस, राइनोसरस की 5 प्रजातियां पूरी, जो राइनोसरस हैं, जो गैंडे हैं, उनकी 5 किस्में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, इनमें से एक भारत में पाई जाती है। भारत में पाया जाने वाला जो गैंडा है उसके नाक पर एक सींग होता है। पहली चीज तो ये कि वास्तव में गैंडे की नाक पर पाए जाने वाली जो सींग है वो सींग नहीं होती है, बल्कि बालों का एक कठोर गुच्छा होता है। और पहले ये जो जो राइनोसरस हैं ये पूरे के पूरे तराई इलाके में पाए जाते थे, पूरे के पूरे तराई इलाके में पाए जाते थे, और इनमें से बहुत सारे जो है पाकिस्तान तक पाए जाते थे। लेकिन धीमे धीमे आप कह सकते हैं इनके संख्यात्मक मान तेजी से कम होते चले गए। अब इनमें से कुछ ही बचे हैं जो भारत और बर्मा के जो बॉर्डर है उसमें, नेपाल और भूटान के बॉर्डर में पाए जाते हैं, और कुछ संख्या में ये आसाम में जो है इनको सुरक्षित किया गया है। फिर जर्डन कोर्सर है। जर्डन कोर्सर हम लोगों ने कल परसों इसकी चर्चा की थी। जर्डन कोर्सर जो है ये एक ऐसा पक्षी है जो रात्रिचर है, आपको याद दिला, जो रात्रिचर होता है दिन में नहीं दिखाई देता, इसको एक्सटिंक्ट माना गया था और बाद में पुनः उसकी जो है खोज की। तो परसों वाला लेक्चर देखिएगा, जर्डन कोर्सर उसमें दिया हुआ है, यहाँ पर जर्डन कोर्सर की जो पिक्चर है वो नहीं दी हुई है। चलिए अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने स्विफ्लेट को देखा था, जर्डन कोर्सर को भी देख लें। जर्डन कोर्सर का ही चित्र छोटे में आपने देखा था। ये जर्डन कोर्सर जो है ये रात्रिचर प्राणी है, रात में ही निकलता है पक्षी। इसको एक्सटिंक्ट माना गया था, करीब 150 साल के बाद पुनः जर्डन कोर्सर को खोज पाने में हम लोग सफल हुए थे। जर्डन कोर्सर। फिर मालाबार सिवेट, ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाला दुर्लभतम स्तनपाई है, मालाबार सिवेट है। ये देखिए कि देखने में कुछ कुछ कुत्ते और लोमड़ी जैसा मिश्रित जंतु है, और ये केवल और केवल जो है आप कह सकते हैं कि जो मालाबार सिवेट है ये केवल और केवल केरल में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में। तो एक लंबे समय तक इसको एक्सटिंक्ट माना गया था, बीच में इसके कोई भी जो है 1950 के आसपास इसको मान लिया गया था कि एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन फिर 1987 में इसको पुनः खोज की गई, और ये भी आप कह सकते हैं जो है हमने पहले भी कहा कि ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले दुर्लभतम स्तनपायियों में से एक। फिर मैरीन टर्टल्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हैं, इनमें से लेदर बैक टर्टल एक है। और लेदर बैक जो टर्टल्स हैं ये आप कह सकते हैं जो मैरीन टर्टल्स हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हैं, उसमें सबसे बड़े आकार के और बहुत बड़े है वो समुद्री मार्ग को तय करते हुए ये भारत पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं। और इनको वल्नरेबल माना गया है, माना गया है कि ये भेद हो चुके हैं, यानी ये भेद है। भारत में ये जो लेदर बैक टर्टल हैं ये आप कह सकते हैं प्रजनन करने के लिए अक्सर लिटिल आंदमान और साउथ सदर्न मोस्ट जो ग्रेटर जो निकोबार आइलैंड है वहां पर ये आते हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो लेदर बैक टर्टल हैं ये भी जो है संकटग्रस्त हो चुके, भी संकट का सूत्र। फिर निकोबार मेगापॉड है। निकोबार मेगापॉड एक पक्षी है, तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाया जाता है, और इसके संख्यात्मक मान तमाम संरक्षणकारी प्रयासों के पश्चात भी इनके जो कह सकते हैं संख्यात्मक मान जो है डिडिल करते चले गए, कम होते चले। और मूल इसका कारण क्या है, मैं पहले भी कहा था कि सुनामी आने के कारण इनकी आबादी बहुत तेजी से प्रभावित हुई। नीलगिरी थार, नीलगिरी के क्षेत्र में पाए जाने वाली, नीलगिरी जो हिल्स है उसके क्षेत्र में पाए जाने वाली, वेस्टर्न घाट में नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक तरीके की जंगली बकरी है, माउंटेन गोट है, जंगली बकरी है जो कि माउंटेन्स में या पहाड़ों पर पाई जाती है, और हाईली थ्रेटेंड है, बहुत ही ज्यादा ये संकटग्रस्त।
केवल 2000 के आसपास इंडिविजुअल्स जो हैं इस स्पीसीज के इस समय रह गए, और केवल आप कह सकते हैं केरल के आसपास के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। फिर स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड की हिंदी होती है जो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ तो जो हिम तेंदुआ है, जैसा इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, हिमालय में पाया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर और जो आप कह सकते हैं से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र में पाया जाता है, और इसकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 400-700 के बीच में रह गई है। फिर स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर जो है इनको बारह सिंघा के नाम से भी जाना जाता है, और पहले ये माना जाता था, पहले तो इनकी जो आबादी है ये भारत और नेपाल की जो पूरा जो तराई का बेल्ट है वहां से लेकर के और मध्य प्रदेश तक जो है पूरी का पूरा था, जो मध्य भारत का जो ग्रास लैंड है वहां तक ये जो है पाए जाते थे। लेकिन इस समय जो स्वैम्प डियर्स हैं इनकी आबादी आप कह सकते हैं 1800 से 2400 के बीच में ही रह गई है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न सब स्पीशीज है जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाने वाली, उनकी जो संख्या है वो तो कुल 400 से 500 है, और जो सेंट्रल सब स्पीशीज है उसकी संख्या 300 से 500 के बीच में। तो लगातार जो है वो स्वयं डियर्स की आबादी घटती चली जा रही है। इसका मूल कारण केवल एक है कि जो जंगल है उनका आकार घटता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले जंगल बहुत हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में जंगल की संख्या बहुत कम रह गई। तराई का क्षेत्र पूरा ही जंगल हुआ करता था, नेपाल से संलग्न क्षेत्र में नेपाल में बहुत होता था, लेकिन क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, नगरीकरण वगैरह के कारण जो है जंगल की कमी होती चली जा रही है, इसी कारण इनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। फिर वल्चर्स, वल्चर्स यानी जो गिद्ध हैं उनके बारे में पूछा सकते। तो जो जो वल्चर्स हैं यानी जो गिद्ध हैं, भारत में कह सकते हैं कि 9 प्रकार के गिद्धों की आबादी है, 9 9, और इसमें से 5 जो है जिप्स जीनस में है। 5 थ्री जिप्स वल्चर्स नेमली व्हाइट रम्ब वल्चर या जिसे जिप्स बंगालेंसिस कहते हैं, लॉन्ग बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड बिल्ड मतलब होता है लंबी चोंच वाला, लॉन्ग बिल्ड वल्चर जिप्स इंडिकस, स्लेंडर बिल्ड वल्चर जिप्स यानी स्लेंडर मतलब होता है पतली, एक की चोट लंबी एक की पतली है, वल्चर जिप्स ट्यूनोरोस्ट्रिस जो है कह सकते हैं ये भारत में पाए जाते हैं। और जो दो और है, यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर जिप्स फल्वस, और हिमालयन जो ग्रिफॉन वल्चर जिप्स हिमालयंसिस है, ये आप कह सकते हैं समय समय पर भारत में आते हैं मौसम के अनुसार और फिर यहां से चले जाते हैं, विशेष रूप से जाड़े के मौसम में आते हैं। तो 9 में से 5 जो है वो कह सकते हैं जिप्स प्रजाति के हैं, जिसमें से 3 भारत के हैं, 2 मौसम के हिसाब से और विशेष रूप से जाड़े में भारत में आते हैं फिर भारत से चले जाते हैं। ये जो वल्चर्स हैं ये स्कैवेंजर्स यानी मृत जंतुओं के शरीर के मांस को खा करके जीवित रहते हैं। अच्छा, जो जिप्स प्रजाति के वल्चर्स हैं ये बड़े जंतुओं के शरीर के भीतर के कोमल अंगों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। रोशन प्रकाश शुक्ला, वेलकम। आप ये जो है भीतरी अंगों को खाने का कार्य करते हैं। दिक्कत क्या हुई कि भारत में पशुओं की चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनाक सोडियम का एक लंबे समय तक प्रयोग किया वेटनरी डॉक्टर्स के द्वारा, जो कह सकते हैं जो चिकित्सक हैं जो एनिमल चिकित्सक हैं जंतुओं के चिकित्सक हैं वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनके द्वारा डाइक्लोफेनाक सोडियम का प्रयोग जो है पशु चिकित्सा के रूप में बहुत ज्यादा व्यवहार किया गया। बुखार उतारने के लिए, दर्द के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन ये जो डाइक्लोफेनाक सोडियम है, जब पशु मर जाते थे और जब गिद्ध उनका जो है मृत शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, तो बायो मैग्निफिकेशन के माध्यम से जैविक आवर्धन के द्वारा ये गिद्धों में इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, और ये गिद्धों के लिए टॉक्सिक है, और इसी कारण आप कह सकते हैं कि जो जो वल्चर जो यहाँ पर आबादी है 90% से ज्यादा जो है खत्म, 90% से ज्यादा खत्म हो चुकी है। तो वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें व्हाइट रम्ब वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, ये जो है ऊपर वाले जो 4 हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन वल्चर जो है ये इंडेंजर्ड है, और फिर सिनरस वल्चर जो है नियर थ्रीटेंड है, फिर बियर्डेड वल्चर ये भी नियरली थ्रीटेंड है, फिर हिमालयन ग्रिफॉन है ये भी नियरली थ्रीटेंड है, और यूरेशियन ग्रिफॉन जो है ये लीस्ट कंसर्न, ये तो आता जाता रहता है।
तो यहाँ आप देखिए कि हम लोगों ने इन प्रजातियों की चर्चा की जिसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है कि ये भारत के थ्रीटेंड हैं और भारत में संकटग्रस्त जंतुओं की लिस्ट है। एक चीज यहाँ और बता दूं कि हाल के समय में इसके अतिरिक्त नदर्न रिवर टेरेपिन, क्लाउडर लेपर्ड, अरेबियन हमबैक भेल और रेड पांडा, इनको भी, ये 17 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ऊपर के 17 तो आपको लाइन से पढ़ाया मैंने। इसके अतिरिक्त जो है आप कह सकते हैं IDWH स्कीम के अंतर्गत चार नए ऐसे प्राणियों को लिस्ट किया गया है जो संकटग्रस्त हैं, जैसे नदर्न रिवर टेरेपिन, ये एक तरीके का कछुआ, उत्तरी भारत की नदियों में पाया जाता है, बड़े आकार का कछुआ होता है ये, आप देखिए ये क्रिटिकल है। क्लाउडेड लेपर्ड है, ये जो है वल्नरेबल है। अरेबियन सी हम बैक व्हेल, अरब सागर में पाए जाने वाली हम बैक व्हेल है, लीस्ट कंसर्न की है। रेड पांडा है कि अरुणाचल प्रदेश के रूप में पाया जाता है, ये इंडेंजर्ड घोषित है। तो ये जो लिस्ट है वो लिस्ट है, इसमें नीचे के चार जो है सदस्यों को और जोड़ लीजिएगा, 17 तो पहले से ही थे लेकिन IDWH स्कीम में ये चार और हैं, इनको भी जोड़ लीजिएगा क्योंकि तो लेटेस्ट क्वेश्चन आने की जो है संभावना सदैव। अच्छा अब आइए हम लोग, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें हम लोगों को इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप के बारे में चर्चा करनी है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी लैंडस्केप के बारे में चर्चा करनी है। लेकिन क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और आज खत्म नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चैप्टर को हम बाद में ले लेते हैं, इससे पहले अगला चैप्टर ले लेते हैं, चैप्टर 11। चैप्टर 10 बाद में पढ़ा दूंगा। चैप्टर 11 में शेड्यूल एनिमल ऑफ जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की चर्चा की गई, और अभी पिछले ही साल इस शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया है, 6th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल है, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया और इसके माध्यम से ये योजना बनाई गई कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, सही है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन करता है, मान लो कोई उसका शिकार करने का प्रयास, तो अलग अलग वर्ग की वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में प्रोटेक्शन है भिन्न भिन्न, सबको एक समान संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, अलग अलग लिस्ट में अलग अलग आधारों पर संरक्षित किया। और ये भी कि अगर किसी एक विशेष शेड्यूल में पाए जाने वाले जीवधारियों को मारता है तो फिर उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो पहला है, मतलब आप कह सकते हैं, देखिए शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 तक जितने भी जंतुओं की लिस्ट यहां पर दी गई होगी, उनकी स्मगलिंग, उनका इलीगल ट्रेड, उनकी पोचिंग यानी उनको पकड़ना और मारना वगैरह, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स का उल्लेख है और शेड्यूल 2 का जो पार्ट 2 है उसमें हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रिस्क्राइब्ड हाईएस्ट पेनल्टीज। अगर शेड्यूल 1 में उल्लिखित जंतुओं या कह सकते हैं शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में उल्लिखित जंतुओं को हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया तो सबसे ज्यादा पेनाल्टीज मिलती है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं शेड्यूल 1 में, सारे तो नहीं पढ़ाए जा सकते, तो समूह नहीं, बहुत ज्यादा है। लायन टेल्ड मकाक है, राइनोसरस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, फिर नार्कोडम हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल हॉर्नबिल एक तरीके की पक्षी होता है जिसको आप धनेश कहते हैं, फिर निकोबार मेगापॉड, ब्लैक बक, इनमें से ज्यादातर का तो उल्लेख अभी हम लोगों ने किया। लायन टेल्ड मकाक जो है एक तरीके का बंदर है, लायन टेल्ड मकाक, ये इस बंदर की पूंछ सिंह की पूंछ जैसी लगती है और उसका जो चेहरा होता है उसके ऊपर भी सिंह जैसे ही बाल चार होते हैं। और ब्लैक बक नाम आप लोगों ने जरूर ही सुन रखा होगा, सलमान खान ने ब्लैक बक का ही शिकार किया
और उनके ऊपर जो है ब्लैक बक के शिकार करने का आज तक केस चल रहा है। तो आप देखिए कि अब इसमें लायन टेल मकाक हमने बता दिया, राइनोसेरस आप जानते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी पढ़ा है, ये वो पक्षी है जो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है, घास घास के मैदानों में रहता है। और ये चर्चा हुई थी कि तमाम संरक्षणकारी प्रयासों के बावजूद इसकी संख्या में कुछ कमी आई है। नारकोडम हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक तरीके का धनेश पक्षी है। और फिर निकोबार जो मेगापॉड है, ये पक्षी निकोबार पाया जाता है, सुनामी लहरों के कारण ये इसकी संख्या के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। आज तक इसरो ने पाई ब्लैक बक को काला हिरन कहते हैं, सलमान खान ने जिसका शिकार किया था उसको तो आप लोग जान ही रहे, तो ये इंसिडेंट तो आप लोग जरूर जानते। और शीरिल टू का जो पार्ट टू है उसमें कौन कौन से जीवधारी, एक प्रमुख ही है ये। और देखो इनसे कम मत करना, मतलब ये मत सोचिएगा कि अच्छा यहाँ पर जो संख्या दी है लाओ इसमें दो चार नाम गायब कर दिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत फेमस जंतु, कभी न कभी चर्चा में जरूर है। शंकर आईएएस में अगर इनको एनलिस्ट किया गया है तो साल दो साल के भीतर कभी न कभी चर्चा में जरूर रहे किसी न किसी कारण से। तो अब क्योंकि ये जो है करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं इसलिए आप इनके नाम को तो हटा ही नहीं सकते। फिर शेड्यूल टू में कौन है, रीसस मकाक, ये भी एक तरीके का बंदर है, ढोले ढोले जंगली कुत्ता है, ढोले जंगली कुत्ता है, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, झुंड में रहते हैं और ये बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। फिर बंगाल पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन शाही गांव में रहने वाले लोग जो खेती वेती करते होंगे उन्होंने देखा होगा, एक जिगारी होता है उसके शरीर पर कांटे कांटे होते हैं, शाही कहलाता है वही। किंग कोबरा नागराज, फ्लाइंग स्क्वायरल जिसको लोग उड़न गिलहरी समझते हैं, वास्तव में वो गिलहरियां या उड़न छिपकलियां वगैरह उड़ती नहीं है, वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप करती हैं। और क्योंकि उनके नीचे की त्वचा का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए दूर तक छलांग मार सकती हैं, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो उड़ान भर रही, उड़ती नहीं। फिर हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालय पाया जाने वाला ढोले, अभी हाल में ही चर्चा में था, जंगली कुत्ते की आबादी बढ़ती चली जा रही है और न्यूजेंस होते, तो अभी हाल में चर्चा में ही था। तो रीसस मकाक, ढोले, बंगाल पॉर्क्यूपाइन, किंग कोबरा, फ्लाइंग स्क्वायरल, हिमालयन ब्राउन बियर वगैरह जो है ये सब के सब जो है आप कह सकते हैं शेड्यूल टू में इनकी जो है नाम नाम उल्लिखित है। फिर शेड्यूल थ्री एंड शेड्यूल फोर, शेड्यूल तीन और शेड्यूल चार में भी ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनको हमने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इनका शिकार करते हुए, इनको पकड़ते हुए, इनकी स्मगलिंग करते हुए अगर कोई पकड़ाता है तो फिर ऐसी स्थिति में दंड की मात्रा उतनी कठोर नहीं है जितनी वन और टू में है। शेड्यूल तीन में कौन है, हाइना है ना, लकड़बग्घा, हॉग डियर, एक तरीके का आप कह सकते हैं जो है हिरन होता है जो छोटे आकार का होता है, नील गाय, नील गाय तो सभी लोग जान रहे हैं। देखो नील गाय प्रोटेक्टेड है अंडर शेड्यूल थ्री, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी तौर पर भी यदि इसको कोई मारता है तो ये एक बहुत बेहतर चीज नहीं होगी, मतलब ये जो है इसके ऊपर पेनाल्टीज। फिर स्पॉन्जेस है, स्पंज जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं, गोरल, गोरल एक तरीके की जो है आप कह सकते हैं जो बकरी होती है। फिर बार्किंग डियर, बार्किंग डियर जो है इसकी जो आवाज होती है कुछ खांसने जैसी होती है इसीलिए इसका नाम बार्किंग डियर है। फिर एग्जाम्पल्स फोर्थ में क्या है, मैंगूज है और वल्चर्स, मैंगूज आप लोग जान रहे होंगे, मैंगूज मैंगूज मतलब कुछ बिलाव और वल्चर्स माने। फिर एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल फाइव आर कॉल्ड वर्मिन विच कैन बी हंटेड, वो वर्मिन कहा जाता है जिनको हम मार सकते हैं, माइस है, रैट है, चूहा, माइस रैट, रैट भी एक तरीके का चूहा, कॉमन रो जो सामान का हुआ है, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स जो है नाम फ्लाइंग फॉक्स जरूर है, ये वास्तव में एक तरीके की चमगादड़ होती है और ये फल खाने वाली चमगादड़,
ये फल खाने वाली चमगादड़ आर द लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ये जो है जो आप कह सकते हैं शेड्यूल 5 में इन चार प्राणियों का उल्लेख किया गया। फिर शेड्यूल 6 है कल्टीवेशन कलेक्शन एक्सट्रैक्शन ट्रेड एटसेट्रा ऑफ प्लांट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स लिस्टेड इन शेड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड। जिन पौधों पेड़ों का उल्लेख इस लिस्ट में किया गया उसको ना तो आप उगा सकते हैं, ना तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसको आप काट सकते हैं, उखाड़ सकते हैं, ना तो उसका व्यापार कर। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं? रेड वंडा, ब्लू वंडा, कुथ, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट आप लोग जानते होंगे, बॉटनी में आगे कहीं पढ़ेंगे भी हम लोग। इसको नेपेंथीस कहा जाता है, इसे पिचर प्लांट कहा जाता है, इसी को घटपर्णी कहा जाता है। ये एक ऐसा वनस्पति है जो कीट भक्षी होता है। फिर साइकड है, बेडोम साइकड, साइकेडेल प्रजाति का होता है। फिर एक ऑर्किड है, ऑर्किड एक वनस्पति होती है जिसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, लेडीज स्लिपर ऑर्किड। ये ऐसे प्लांट्स की लिस्ट है जिनको शेड्यूल 6 में जो है आप कह सकते हैं जो है रखा गया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन शेड्यूल 1 to 4, 1 से 4 तक, शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन कौन से एनिमल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है। और ये लिस्ट काफी बड़ी है, ये लिस्ट काफी बड़ी है। अभी के इसमें 59 प्राणियों का उल्लेख है, 59। तो क्योंकि आज का समय समाप्त हो रहा है, किसी भी तरीके से हम लोग आज इन 59 प्राणियों के बारे में तो अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। कल हम लोग इसी से चर्चा प्रारंभ करें, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो की जो लिस्ट है जो शेड्यूल 1 to 4, उसमें किन 59 प्राणियों का उल्लेख किया गया है उसके बारे में चर्चा कर। कोरोना काल में सुरक्षित रहिएगा घर में, आप लोगों के लिए टीकाकरण बस 1 तारीख से शुरू ही होने वाला है। टीकाकरण किए बगैर कोई रेस्पाइट नहीं है, और कौन सा टीका ज़्यादा बेहतर है, क्या हमको कौन सा टीका लगवाना चाहिए, क्या जो है आप कह सकते हैं जो कोविशील्ड ज़्यादा अच्छा है कि कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छा है, इन सब एकेडमिक विवाद में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों ही वैक्सीन ज़्यादा, और जो 0.01 और 0.02% का अंतर उनको बताया जाता है, की आबादी में कुछ संख्या कोई नहीं। वैक्सीनेशन कराने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए मानसिक तौर पर, और वैक्सीन कराने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। हाँ, प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि वैक्सीन करा लिए तो आप खुले में घूमने के लिए तैयार हो गए और आपको कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। कोरोना वायरस की अनेक स्ट्रेन जो है पैरेलल चल रही पूरी दुनिया में, पता नहीं कौन सी स्ट्रेन कहाँ से आ जाए। सुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन के पश्चात आपके शरीर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन रेट तेज हो जाती है, तो जटिल जो खतरे होते हैं उनसे बचने की संभावना भर बढ़ जाती है। फिलहाल घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट।